नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काशिफ काकरी। अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के न्यू गोविंद कॉलोनी में तस्लीम नामक चूड़ी बेचने वाले की पिटाई होती है। उसका वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल होने के बाद FIR दर्ज कर ली जाती है। जब हम वीडियो की तरफ आते हैं तो उसमें ये बात कही जाती है कि बॉम्बे बाजार का बदला लो और ये मुस्लिम होकर हमारे कॉलोनी में सामान बेच रहा है, आओ आओ बहनों इसका सामान लो। ठीक है ना। 13 तारीख को बॉम्बे बाजार, इंदौर के बॉम्बे बाजार जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां पर दो दलित लड़कियां अपने अंकल के साथ जूस पी रही थी। उसमें कुछ लोगों ने उनसे आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड मांगने की वजह ये थी कि वो लड़कियां, उन्हें जो ड्रेसअप थी वो मुसलमानों की तरह थी। जो वहां के मौजूद लोग थे उनको ये महसूस हुआ कि ये लड़कियां मुस्लिम होकर के किसी अन्य आदमी के साथ घूम रही जो टीका लगा करके वहां पे खड़ा था। उसके बाद उनके साथ मारपीट हुई, बदतमीजी हुई, बाद में पुलिस ने उनको वहां से रेस्क्यू कराया। तो जो तस्लीम के साथ हुआ वो सिर्फ इंदौर में जो लगातार चले आ रहे जो दोनों कम्युनिटीज के बीच क्लैश थे उसका जस्ट एक पार्ट था। 15 अगस्त के दिन दो मामले सामने आते हैं। एक कॉलोनी जो जहां पर मिक्स आबादी थी वहां पर झंडा तोलन के बाद भड़काऊ नारे लगाते हैं जिसका लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। उसके ठीक 3 से 4 किलोमीटर दूर राजवाड़ा करके एक क्षेत्र है इंदौर में, वहां पर झंडा तोलन के दौरान भाजपा के माइनॉरिटी विंग के जो नेता हैं उनके तरफ से वो आयोजित की गई थी, जिसमें स्टेज पर चढ़ी एक लड़की ने हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद जैसे नारे लगाए और जिसको लेकर के वहां के लोगों ने आपत्ति जताई। तो ये सब सारी चीजें हो रही थी और लगातार मैसेजेस व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए जा रहे थे कि इस तरह की घटनाएं हुई और इसका बदला लेना है। और जब इसी बीच तस्लीम 22 तारीख को एक कॉलोनी में पहुंचा तो कॉलोनी के जो कुछ जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने उससे पूछताछ, उसको सीधे जो है उससे पूछा। अगर हम तस्लीम के भाई की बात माने तो उनका कहना था कि उन पीछे से एक, जब वो कंगन 100 रुपए का बेच करके आगे बढ़ रहा था तो पीछे से एक आदमी उसको कॉलर पकड़ता है ये पूछते हुए कि तुम्हारा नाम क्या है, अगर हिंदू हो गए तो छोड़ देंगे, मुसलमान हो गए तो बहुत मारेंगे। जैसे वो फेरी करने को गया था वहाँ पे, तो एक मोहल्ले में पहुंचा, वहाँ पे एक भाई ने रुकवाया था, वहाँ पे एक कंगन लिया था। वहाँ से वो जैसे चला तो वो बजरंगी आ गया, उसने गिरेमान पकड़ लिया ना, तो बोला अपना आधार कार्ड दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, अगर बोला तुम हिंदू हो तो जा सकते हो, मुसलमान हो तो जरूर मारेंगे। पूछ पाल करने लगा था, कौन करना लग ली करने लगा, क्या पूछपाछ कर रहा था? ये कह रहा था कि तुम हिंदुओं को मुसलमान हो, तो क्या हिंदू हो तो छोड़ देंगे, मुसलमान हो तो मारेंगे बहुत। तो उसने डर के मारे अपना हिंदू नाम बताया कि हमारा नाम भूरा है, और जो भूरा उसका नाम है वो भी करेक्ट है, पहचान पत्र पे उसमें भूरे नाम है। तो वो बोला तुम जा सकते हो। वो जैसे आगे गया वो तुरंत पहुंच गया, मारने लगा। पहले तो वो इकल्ले ही मार रहा था, जब मारने के बाद फिर 2-3 जने को फोन करके और बुला लिया। मारने के बाद फिर पूछा असली नाम आपका बताइए, जब बोला मेरा तस्लीम नाम है असली, अब मुझे जाने दीजिए, तो उसने बुला लिया। फिर उसने बहाना लगा कि ये बहन बेटी को हाथ पकड़ रहा था और राखी के बंदे ये चूड़ी पहना रहा था। उसको मारा, मार के माल उसने समझ लो वो बैग से निकालना उसका शुरू कर दिया निकालने के लिए। मारने के बाद फिर उसने कहा कि जो भी छुरी हुरी हो तो निकाल लो, एक एक हाथ सब बता लो, ये बम्बई बाजार का बदला सब निकाल लो, ये मुसलमान है मारो इसे। तो ये कहानी हुई, उसके बाद उसके साथ मारपीट हुई और वहाँ पे एक लड़का भावेश जिसके दरवाजे पे ये सब सारी कहानियाँ हो रही हैं, 21 साल के भावेश ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उसको बचाया। तो जहाँ तक कि मेरे सामने की वारदात है उसको ये बोलकर मारा जा रहा था कि वो एक मुस्लिम है, अपनी हिंदू माँ बेटियों को हाथ पकड़ के चूड़ियां पहनाता है, यहाँ से एक दिन माँ बेटियों को ले जाएगा घर से। पब्लिकली सबको भड़काया गया कि बॉम्बे बाजार का बदला लेने के लिए तो मारो, अब वो 5 लोग तो ऑलरेडी मार रहे थे, ऐसे करते 15-16 लोग उसको और मारने के लिए आ गए। उसने बहुत बार कोशिश भी करी सामान लेके भागने की, उसको सामान लेके भी भागने नहीं दिया, इस तरीके का तो व्यवहार हो रहा था। मैंने उनको लोगों को कहा भी कि भैया अगर कोई गलती की है तो पुलिस वालों को बुला लो, जिस तरीके से मार रहे हो आप 2-4 लोग पकड़ लो इसको, हम खुद हैं यहाँ पे, नहीं ये तो मुसलमान है इसको मारो। वो इस कॉलेज में नहीं थे,
हमारी कॉलोनी वालों ने भी महिलाओं ने भी अच्छी हिम्मत दिखाई रोकने की कोशिश की। मतलब मुझे भी एक मैसेज दे रहे थे वो लोग कि ये मुसलमान है, चूड़िया बेचता हाथों से पहनाता है, भैया आप भी मारो उसको। अब इस बात में तो कोई सेंस निकलता नहीं है। उनको मैंने कहा भी कि गरीब आदमी लग रहा है, इसको छोड़ दो, सामान वामान लेके जाने दो। ठीक है, अब उसका सामान छोड़ के उसको भगा दिया था। फिर इन लोगों ने उसका सामान आगे रख दिया, आपस में पब्लिक ने बांट लिया उसका सामान। गलत किया उन लोगों ने। घटना के बाद पुलिस वही लड़का लेके आया था जो चूड़ी बैंगल्स बेच रहा था। फिर वो मुझसे पूछ रहे थे पुलिस वाले कि लोग कौन है क्या है। पर्सनली तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, बाकी गलत किया उसके साथ जो भी किया। इससे एक आदमी को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं, और वो भी ऐसे संदेश के लिए, समाज में गलत है ये सब। और बचाने के बाद किसी तरह वो तस्लीम भाग कर थाने पहुंचा, लेकिन उसका सामान उस बीच लूट लिया गया, उसके पैसे छीन लिए गए, और बाद में उसके एक दिन बाद उस पर FIR दर्ज की गई कि उसने लड़की के साथ मोलेस्टेशन किया। तीनों साथ में गए थे यहाँ से। ठीक है, और वहाँ यही बोला था ना कि मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारी जांच होगी वहाँ ठीक होगा तो तुम्हें वापसी भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद वापसी तो आई नहीं, वहीं यहाँ से डायरेक्ट ले गए तो थाने बैठा दिया हमें। पूरी रात बैठे रहे, पूरा दिन बैठे रहे, कल दूसरे दिन फोन आया यहाँ से, जब जाते छोड़ा हम लोग। अच्छा, तस्लीम वही रह गया, दो जने हम लोग छोड़ के चले। उस व्यक्ति की FIR कराने में हमें 6-6 घंटे लग जाते हैं, जो सरेआम पिटता हो और उसके बावजूद उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता हो तो ये सरकार मध्य प्रदेश में क्या चाहती है। जो आरोपी था इसमें तस्लीम, जिसके खिलाफ की एक बच्ची ने FIR दर्ज कराई थी, उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और आज इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश करके जिंदा किया। ऐसा कुछ भी नहीं, छोड़ने टाइप की कोई बात कर रहे थे वो लोग, ऐसी कुछ बात नहीं हो रही थी। बस मुस्लिम है या चूड़िया पहना रहा है हिंदू लड़कियों को, ऐसी बस इस तरीके की बात हुई। कोई मुकार वारदात पे लड़की नहीं थी जिसने उसमें छेड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। घटना के एक दिनों बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुबह भोपाल में पत्रकारों से ये कहा कि तस्लीम के पास 2 आधार कार्ड पाए गए, और वो फर्जी नाम बदलकर हिंदू कॉलोनियों में सामान बेच रहा था, जिसको लेकर के विवाद बढ़ा। इसी लाइन पर कई नेताओं ने भाषण भी दिए, और मध्य प्रदेश BJP के अध्यक्ष VD शर्मा ने उसे सॉफ्ट टेररिज्म भी घोषित कर दिया। ये जो चूड़ी बेचने वाला 2 ID क्यों रखा भाई, नाम बदल करके क्यों रखा आपने? तो ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, ये स्ट्रेटेजिकली इस समाज में भी इस बात की अवेयरनेस की जरूरत है। हमारी बेटियों को तो खास तौर पर इस बात की जरूरत है। मैं तो अपील करना चाहता हूं सब लोगों को इस दिशा में, समाज के अंदर ऐसे लोग, ये आतंकवाद से कम नहीं है, ये सॉफ्ट आतंकवाद है कि इस प्रकार से प्रयास करके लोगों को अट्रैक्ट करना, अपने पास दोस्ती करना, उसके बाद फिर जो घटनाएं होती हैं ये पूरा देश जानता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, ऐसे लोगों को तो उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, इनको ठीक कर देना चाहिए। कि मुद्दा यह है कि उस व्यक्ति ने नाम क्यों बदला, सबसे पहले उस पर बातचीत होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। यदि हम उसकी पिटाई के लेकर बात करने लगेंगे तो शायद हम सही रूप में उस घटना या षड्यंत्र की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब हम अगर सच्चाई की बात करें तो जो बात पुलिस कह रही है और जो बात मुझे उनके परिजनों ने बताई, तस्लीम के पास टोटल 3 आइडेंटिटी कार्ड है। एक जो वोटर आई कार्ड उसके पास, उसका पुकारू नाम जो गांव का उसका नाम था भूरा, पिता मोहर सिंह, मोहर सिंह उसके पिता का नाम है, जो कि 2001 में बने वोटर आई कार्ड के हिसाब से साबित होता है। साथ ही साथ 1995 में मोहर सिंह को ही 5 एकड़ जमीन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी, तो उसके पिता का नाम मोहर सिंह ही ऑफिशियल है, ना कि मोहर अली। तस्लीम के पिता के 10 बच्चे हैं, 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। इस तरह से किसी आधार कार्ड में मोहर सिंह लिखा हुआ है और किसी आधार कार्ड में मोहर अली लिखा हुआ है। टीम हरदोई गई हुई है, वो इसीलिए गई है कि उसका बैकग्राउंड जो है पता लगाया जा सके, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको वेरीफाई कराया जा सके कि वो 2 आधार कार्ड जो मिले हैं जिनमें नाम और पिता का नाम अलग अलग हैं, वो किस लिए किए और किस पर्पज से उसको बनाया गया था। अब आते हैं तस्लीम के पर। तो तस्लीम के पास जो पहला आधार कार्ड है उसमें नाम है तस्लीम, पिता मोहर अली। दूसरा आधार कार्ड जिसकी बात पुलिस कह रही है उसमें नाम है असलीम, पिता मोहर सिंह। पुलिस और घर वालों की ये दलील है कि उसका नाम असलीम और मोहर सिंह इसलिए हुआ कि क्योंकि उस प्रधानमंत्री आवास योजना में उसने एप्लीकेशन दिया था, और जब नाम आया उसका बेनिफिशियरी की लिस्ट में, उसमें उसका नाम तस्लीम के जगह असलीम था, पिता मोहर सिंह, मोहर सिंह जो उसका पिता का सरकारी नाम भी था। अब जब ये कन्फ्यूजन हुआ तो
उसने कहा कि अगर मैं इसको वापस करता हूँ तो हो सकता है कि मेरे हाथ में वापस दोबारा ना आए, ये हमको नहीं इसका फायदा ना मिल पाए। इसलिए उसने बड़ी आसानी से अपने जो पहले आधार कार्ड था उसमें जाकर के उसने अपना नाम तस्लीम की जगह असलीम करवा लिया और पिता का नाम मोहर अली से मोहर सिंह करवा लिया। तो इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अगर हम पुलिस सूत्रों की माने तो उनके पास जो दोनों आधार कार्ड पाए गए हैं वो दोनों के नंबर एक है। सर हमारा दोनों राइट है, दोनों सही है, कोई भी फर्जी नहीं है। जो पहले जमाने में वो पहचान पत्र बना था जो गांव के लोग कहते थे हमारे गांव में, तो वो भूरा नाम रख दिया, तो वो भूरा का पहले पुराना पहचान पत्र है। और जब जो नया समय आया तो हमने भूरा का पर उर्फ तस्लीम रख दिया, आधार कार्ड तस्लीम नाम का बना। फर्जी कोई भी नहीं है, दोनों राइट है। तो घूम फिर के जो कहानी यही बनती है कि जो पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया है वो काफी संदेह के घेरे में है। वो एक दिन बाद क्यों लिया गया, भीड़ जो मार रही है उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि उसने छेड़छाड़ की, और जिस इंसान ने छेड़छाड़ की वो वापस पुलिस के पास क्यों जाएगा और पुलिस से इंसाफ की गुहार क्यों लगाएगा। तो ऐसे कई सवाल हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं, अभी उसका सामने नहीं आ पाए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है और कोर्ट में इस केस की कलाई कहां तक खुलती है।